हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल सॉल्यूशन फार्मेसी। तो जैसा आप जानते हैं, हम लोग डाइईन्स पढ़ रहे थे। लास्ट क्लास में हमने उसका इंट्रोडक्शन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, नॉमेनक्लेचर एक्सेट्रा पढ़ लिया था। आज हम लोगों को केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ना था, तो हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स देखिए, पहली केमिकल प्रॉपर्टी क्या है? एडिशन ऑफ हेलोजन एसिड। हेलोजन मतलब ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, आयोडीन, है ना, एंड एसिड्स बनाना है। दैट मींस HCl, HBr, HF, HI। तो हम लोग इसमें से एक चूज करते हैं, HBr, और उसके साथ हम अपना रिएक्शन परफॉर्म करते हैं। हमारे पास रिएक्शन के लिए कौन सा कंपाउंड है? 1,3-ब्यूटा डाइन। ये एक प्रकार का आपका कॉन्जुगेटेड डाइन है, ठीक है। इसके साथ आपने HBr को रिएक्ट कराया। तो देखिए, जब हमारे पास दो डबल बॉन्ड्स हैं स्टूडेंट्स, एक आपका फर्स्ट वाले कार्बन के पास यहाँ पर, और एक ये आपका थर्ड वाले कार्बन पर यहाँ पर है, आप HBr डालोगे तो H और Br ये ऐसे स्प्लिट होंगे, और दोनों डबल बॉन्ड्स जो हमारे पास प्रेजेंट है, एक फर्स्ट नंबर पर और एक थर्ड नंबर के कार्बन पर, ये दोनों डबल बॉन्ड्स में से एक एक बॉन्ड ब्रेक होगा, है ना। अब प्रोबेबिलिटी क्या है कि हाइड्रोजन यहाँ अटैच हो, ब्रोमीन यहाँ अटैच हो, एंड वाइस वर्सा। यानी कि दूसरी प्रोबेबिलिटी क्या है, जिसको अभी हम एक बार ग्रीन कलर से इंडिकेट करते हैं, कि हाइड्रोजन जो है वो आपका इधर अटैच हो जाए और ब्रोमीन जो है वो इधर अटैच हो जाए। तो इस प्रकार से हमारे पास एक ही में से दो कंपाउंड मिल जाएंगे, जहाँ पर 3 पे ब्रोमो अटैच होगा और 1 पे ब्रोमो अटैच होगा, 1 पे ब्यूटीन और 2 ब्यूटीन। इस प्रकार से दोनों कंपाउंड्स बनने की हमारे पास प्रोबेबिलिटी है। तो इसका मैकेनिज्म कैसा होता है स्टूडेंट? देखिए, सबसे पहला चीज क्या है कि प्रोटोनेशन होता है, ठीक है। प्रोटोनेशन होगा और हमारा जो सेकेंडरी कार्बोनियम आयन है वो स्टेबल हो जाएगा। कैसे? जैसे अपन ने ये HBr को तोड़ा, तो Br जो है वो आप देखिए लोन इलेक्ट्रॉन्स या लोन पैर आप बोलो, उसके साथ में माइनस चार्ज लेके बाहर निकला है, ठीक है। और हमारा जो ये 1,3-ब्यूटाडाइन है, उसमें स्प्लिटिंग अपन दोनों देख लेते हैं। फर्स्ट टाइम आप एक ये ब्रेक करिए, सेकेंड टाइम आप ये बॉन्ड ब्रेक करिए। अब इन दोनों को जब आपने ब्रेक किया, यहाँ आप देखो कि एक कंडीशन क्या है कि जो हमारा हाइड्रोजन है वो यहाँ अटैच हुआ, तो ये कन्वर्ट हुआ CH2 से CH3 में, और इस कार्बन के ऊपर जो डेफिशिएंसी थी उसको अपन ने प्लस चार्ज से यहाँ रिप्रेजेंट किया, ठीक है। और इसके बाद दूसरी प्रोबेबिलिटी क्या है कि जो हमारा हाइड्रोजन है वो आगे जाए, जिसको अभी हम लोग जैसे कि दूसरे ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट करते हैं, कि मान लीजिए हमारा जो हाइड्रोजन का बॉन्ड है वो ब्रेक होने के बाद में अटैच हो जाता है हमारा आगे जाने के लिए यहाँ, और यहाँ पर हमारा ये देखिए आप कार्बोकेटायन का डेवलपमेंट होता है, ठीक है। अब ये दोनों स्ट्रक्चर जो हैं स्टूडेंट्स, ये कैसे हैं? एक दूसरे के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। आप कैसे रेजोनेंस शो कर सकते हो कि भाई जो आपका डबल बॉन्ड है उसको आप एक साइड शिफ्ट करो, फिर यहाँ सेंटर पर आ गया तो ये इसके ऊपर चार्ज डेवलप हो गया। इसी प्रकार से हम लोगों को क्या है ना, एक स्टेबल स्ट्रक्चर मिलता है। इस पर आपने जैसे ही ब्रोमाइड आयन, यानी कि ये जो हमारा Br जिसके साथ में लोन इलेक्ट्रॉन और माइनस चार्ज था, ये ब्रोमाइड आयन जो है वो रिएक्ट कराएगा पहले वाले स्ट्रक्चर के साथ भी और दूसरे वाले स्ट्रक्चर के साथ भी। जब फर्स्ट वाले स्ट्रक्चर के साथ रिएक्शन कराएगा तो हाइड्रोजन के बाद भी डेफिशिएंसी कहाँ रह गई है? जहां प्लस चार्ज है, तो इस प्रकार से अटैच हो, और ये देखिए आप 3 पोजीशन पर ब्रोमो लगा। यहाँ आप देखिए ये डेफिशिएंट वाला कार्बन इसके पास अटैच हुआ, तो 1 पर 1 को आप नहीं मेंशन करते, तो आप डायरेक्ट ब्रोमो 2-ब्यूटीन भी लिख सकते हैं और 1-ब्रोमो-ब्यूटीन भी लिख सकते हैं। ऐसे ही जो सेकेंड मेथड है केमिकल रिएक्शंस में, केमिकल प्रॉपर्टीज में, दैट इज एडिशन ऑफ हेलोजन। अब आप सिर्फ हेलोजन यूज कर रहे हो, पहले हेलोजन एसिड था, मतलब आप पहले HCl, HBr यूज कर रहे थे, लेकिन अभी आप क्या कर रहे हो, अभी आप केवल हेलोजन Br2, Cl2 ऐसा कुछ आप यूज करते हैं, है ना। तो आप देखिए, आप अगेन दोनों डबल बॉन्ड्स को टारगेट कीजिए, दोनों डबल बॉन्ड्स ब्रेक हो सकते हैं, प्रोबेबिलिटी दोनों के पास है। ब्रोमीन यहां भी जा सकता है और ब्रोमीन यहां पर भी आपका जा सकता है, ठीक।
ठीक है। तो इस तरीके से आप देखिए दोनों बॉन्ड्स टूटे और कोई एडिशनल कुछ भी नहीं है हमारे पास। तो हमारा एक बार ब्रोमीन अटैच हुआ और एक बार ब्रोमीन अटैच हुआ। फिर दूसरे केस में क्या हुआ, इधर भी ब्रोमीन अटैच हुआ इधर भी, यानी आपका 3-4 पोजीशन पर भी ब्रोमीन अटैच हो सकता है, 1-4 पर भी। तो कंपाउंड का नाम बन सकता है 3-4 डाइब्रोमो और 1-4 डाइब्रोमो। तो ये दोनों चीजें पॉसिबल है। नेक्स्ट है हमारा मैकेनिज्म। तो देखिए स्टूडेंट आप ऐसा समझिए, जैसे हमारे पास अभी क्या था, ब्रोमीन का 2 था है ना, Br2। आप इसको स्प्रेड करके लिखेंगे तो आप ऐसा BrBr लिखेंगे। अब टेक्निकली जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो एक जो है वो प्रॉपर ब्रोमाइड आयन में कन्वर्ट हुआ और ये आपको यहाँ बाहर मिल गया, ठीक है। दूसरा वाला कैसा बच गया, एक ऐसा ब्रोमीन जो कि आपका अटैक कर रहा है इन डबल बॉन्ड पोजीशंस पर। फिर आप डबल बॉन्ड पोजीशन पर अटैक करा के स्टेबल कार्बोकेटायन जो है या स्टेबल कार्बोनियम आयन बोलिए उसको आप फाइंड आउट करते हैं। इसको फाइंड आउट करने के लिए आपने क्या कराया, एक रेजोनेंस स्टेबिलिटी स्ट्रक्चर डेवलप किया। नाउ ब्रोमाइड आयन जो प्रिपेयर हुआ था वो फर्स्ट वाले पार्ट में भी रिएक्शन करेगा और सेकेंड वाले पार्ट में भी रिएक्शन करेगा, है ना। तो एक फर्स्ट राउंड पे जब करता है तो हमारे तीसरे नंबर के कार्बन पर क्या होता है, डेफिशिएंट चार्ज है ना। तो ब्रोमीन के ब्रोमाइड आयन के लिए इजी अटैकिंग स्पीशी हुआ। फिर दूसरा जो प्रोडक्ट था हमारे पास, वहां पर आपका पहले नंबर के कार्बन पर आपका एक डेफिशिएंट चार्ज है तो वो उसके साथ अटैच हुआ। इस प्रकार से आपका प्रोबेबिलिटी दोनों के साथ अटैच होने की है। नेक्स्ट है हमारा, जब हम वाटर ऐड कराएंगे तो वाटर को आप स्टूडेंट H2O यूज कीजिए, है ना। H2O को रिएक्ट कराने के लिए आपको साथ में चाहिए है H2SO4 स्मॉल अमाउंट, बिकॉज ये H+ आयन के रिलीज में आपकी हेल्प करेगा, ठीक है। तो वाटर से हम लोगों को मिल जाएगा OH। अब OH जब आप ऐड किए तो आपने क्या ग्रुप ऐड किया, एल्कोहल ग्रुप या हाइड्रोक्सिल ग्रुप, जिसको आप OL से रिप्रेजेंट करते हैं। अब फिर से आप बॉन्ड को ब्रेक कराइए, अगेन हमारे पास दोनों प्रोडक्ट की प्रोबेबिलिटी है, पहले बार ब्रेक होगा तो फिर भी OH अटैच हो सकता है और दूसरा साइड का बॉन्ड ब्रेक होगा तो फिर भी OH हमारा अटैच हो सकता है। तो 3 पे भी OL आ सकता है और 1 पे भी। ऐसे ही हमारा जो नेक्स्ट है दैट इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अब आप लोग सीधा हाइड्रोजन ऐड कराओ, है ना। H2 मतलब क्या हुआ, एक H और एक और है। यहाँ पर हमें बस ये ध्यान रखना है कि हमारे पास प्लेटिनम कैटेलिस्ट है, इसकी जगह हम पैलेडियम और निकल यूज कर सकते हैं। अब आप देखिए एज इट इज सेम रिएक्शन है स्टूडेंट, आपने डबल बॉन्ड्स को ब्रेक कराया और जो हमारा एक हाइड्रोजन है वो एक साइड पर और दूसरा दूसरे साइड पर, इस प्रकार से सेम दो प्रोडक्ट मिलेंगे, जहां जहां डेफिशिएंसी वहां वहां एच हमारा अटैच हुआ जा रहा है। फिर नेक्स्ट है हमारा पॉलीमराइजेशन। देखिए ये अलग चीज है, क्या है पॉलीमराइजेशन रिएक्शन, मतलब मोनोमर को हम लोग क्या करेंगे, पॉलीमर में कन्वर्ट करेंगे। तो पॉलीमर में कन्वर्ट करने के लिए हमको परऑक्साइड की जरूरत होती है। परऑक्साइड मतलब जैसे H2O2 यानी कि हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, तो पर ऑक्साइड की प्रेजेंस में ही पॉलीमराइजेशन रिएक्शन होता है। हमारे पास ये देखिए ये एक मॉलिक्यूल है 1,3-butadiene का, इसके आगे हम N लगा रहे हैं, मतलब हम जितने चाहें उतने सिंगल मॉलिक्यूल्स को यूज कर सकते हैं। हमें क्या कराना है, हमारे डबल बॉन्ड को हम यहाँ पर शिफ्ट करा रहे हैं, ब्रेक करा रहे हैं। हमारा जो एक के बाद एक डेफिशिएंट साइट है वो इधर कॉर्नर पे डेवलप हुआ, वो लाइन से अटैच होता जाएगा एन के साथ, तो क्या बन गया, पॉलीब्यूटाडाइन। पॉलीब्यूटाडाइन को और एक नाम से हम जानते हैं, ब्यूना रबर। तो इस प्रकार से 1,3-butadiene का जो सिंगल मॉलिक्यूल था यानी मोनोमर था वो पॉलीब्यूटाडाइन में भी कन्वर्ट हो जाता है। ऐसे ही हमारा नेक्स्ट रिएक्शन है डाइजेल्डर रिएक्शन। तो ये 1,3-butadiene जो है वो रिएक्ट करता है एल्कीन या एल्काइन के साथ और यहाँ पर कोई कैटलिस्ट नहीं नीडेड है, जस्ट 200 डिग्री में हो जाता है ये रिएक्शन। यहाँ आप एक चीज ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, अगेन डाइजेल्डर इज अ नेम्ड रिएक्शन, तो हम इसमें कुछ चेंजेस नहीं कर सकते हैं।
सी हमारे पास अगेन एक डाई इन कंपाउंड है। अब हम लोग इसमें क्या करा रहे हैं, डबल बॉन्ड को रोटेट करा रहे हैं, ठीक है। जैसे सपोज ये हमारा CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2 है, ठीक है। और उसके साथ में हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड CH2 इथाइलिन है। अब आप क्या करा रहे हो, जैसे अभी हम लोग बॉन्ड की रोटेशन ग्रीन कलर से दिखाते, ये वाला जो डबल बॉन्ड है ये हम लोग यहाँ से शिफ्ट कराए यहाँ पर, ठीक है। और ये वाला डबल बॉन्ड हम यहाँ पर शिफ्ट कराए। अब स्ट्रक्चर कैसा हुआ, CH2 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2 और वन खाली बॉन्ड, राइट। नेक्स्ट हमारा जो ये CH2 CH2 के बीच का डबल बॉन्ड था, इसको अब आप अलग शिफ्ट कराइए। तो इस कार्बन के पास एक डेफिशिएंसी हुई, वो इससे अटैच हुआ CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, इसके पास एक डेफिशिएंसी, इसके पास एक डेफिशिएंसी, तो ये दोनों आपस में ऐसा रिंग की तरह अटैच हुए। तो ये आपको मिल गया एक रिंग, किसका, साइक्लोहेक्सीन का। और साइक्लोहेक्सीन को हम यहाँ पर क्या, एडक्ट भी बोल सकते हैं। देखिए इसका मैकेनिज्म आप समझिए, तो यहाँ पर क्या है कि जो हमारा डाइन है ना, वो इलेक्ट्रॉन पुअर एल्कीन के साथ रिएक्शन कराता है और साइक्लोहेक्सीन की रिंग को कन्वर्ट करता है। तो यहाँ क्या होता है स्टूडेंट, सबसे अच्छी चीज कि सारे बॉन्ड एक साथ टूटते हैं और एक साथ ही बनते जाते हैं। जैसे कि आपका पहला डबल बॉन्ड शिफ्ट होके यहाँ गया, तो इमिडिएटली यहाँ का डबल बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा, इमिडिएटली यहाँ का डबल बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि कंटिन्यूस प्रोसेस में ये चलता रहेगा। तीनों इलेक्ट्रॉन पेयर एक साथ मूव करेंगे, साइमल्टेनियसली मूव करेंगे, और ट्रांजिशन स्टेट के ओवर होते होते ही हमारा जो है वो डाइईन कंपाउंड जो है वो पार्टिसिपेट करके अपना न्यू कंपाउंड का फॉर्मेशन करा लेगा। ऐसे ही इसमें नेक्स्ट है हमारा लाइलिक रीअरेंजमेंट रिएक्शन। यहाँ पर हमारे पास कंपाउंड अगेन BU-2-ईन है, इसमें रिएक्शन आप कराते हो एन ब्रोमोसक्सीनामाइड के साथ में। और यहाँ पर आप देखिए CH3CH डबल बॉन्ड CH फिर CH3 है, यहाँ पर ये जो डबल बॉन्ड है ये एज इट इज रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, आपका पार्टिसिपेशन यहाँ होगा। ये कार्बन, इसके साथ एक दो और तीन हाइड्रोजन्स हैं, ठीक है। इस तीन में से एक हाइड्रोजन को आप ब्रेक कीजिए, अब क्या बना CH2, और जो खाली बॉन्ड है वो सक्सीनामाइड का जो ब्रोमो पार्ट है वो ब्रोमीन। तो ये मेजर प्रोडक्ट होता है और यही स्टेबल प्रोडक्ट होता है। एक तो ये हो गया स्टूडेंट, दूसरा क्या चीज पॉसिबल है कि हमारा जो डबल बॉन्ड है वो शिफ्ट कर जाए, कब, जब ये एच ब्रेक हो। जैसे एच ब्रेक हुआ ना, CH2 की कंडीशन आई, तो एडजेसेंट वाला कार्बन अपना एक डबल बॉन्ड यहाँ प्रोवाइड करा दिया, तो इसके और इसके बीच में कौन रह गया, केवल एक सिंगल बॉन्ड, ये आप देख सकते हो सिंगल बॉन्ड है ना, डबल बॉन्ड बन गया। तो ये CH2 के, अब जो डेफिशिएंट हुआ दैट इज सेटिस्फाइड बाय ब्रोमो, ये तो ये बना 3 ब्रोमो है ना, पहला 1 ब्रोमो क्योंकि ब्रोमीन पहले कार्बन से अटैच हुआ, यहाँ पर तीसरे पे, तो 3 ब्रोमो। तो ये है स्टूडेंट्स एलाइलिक रीअरेंजमेंट रिएक्शन। यहाँ आप ना एक चीज देखिए, यहाँ आप न्यू कुछ भी फॉर्म नहीं कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, रीअरेंज कर रहे हो। सब आपके पास बॉन्ड्स अवेलेबल है, कार्बन्स अवेलेबल है, ब्रोमीन अवेलेबल है, आप कुछ भी न्यू चीज ऑक्यूपाई नहीं कर रहे हो, कोई भी नया ऑक्यूपाई आप नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ एडिशनल जो चीजें आपके पास प्रेजेंट है उन्हीं को आप प्रॉपर तरीके से अरेंज कर रहे हो। दिस इज नोन एज रीअरेंजमेंट रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो 1 वाला प्रोडक्ट बनता है दैट इज मेजर प्रोडक्ट एंड वो ही स्टेबल प्रोडक्ट है। तो ये था स्टूडेंट्स आपका डाइईन्स अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग। आई होप ये कंटेंट आपके लिए यूजफुल रहा होगा। अगर आपको हमारा ये नोट्स चाहिए हो तो प्लीज़ आप हमारा ऐप सॉल्यूशन फार्मेसी डाउनलोड कीजिए, वहाँ नोट्स अवेलेबल है। और इसके साथ अपना यूनिट 2 कम्प्लीट होता है, नेक्स्ट क्लास में हम इससे रिलेवेंट क्वेश्चन पेपर 1 सॉल्व करेंगे। टिल देन थैंक यू सो मच।